नमस्कार दोस्तों, क्यूरोसिटी गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हमें आराम की ज़रूरत होती है। दिमाग हमसे आराम करने को कहता है, लेकिन शरीर की थकान ना तो आराम करने देती है और ना ही काम। ऐसे वक्त में कुछ नुस्खे आपको थकान और शारीरिक समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, चुटकी में हल हो जाएंगी आपकी कई समस्याएं अगर आपने ये नुस्खे आजमा लिए। तो क्या हैं वो नुस्खे और कैसे करें इसका इस्तेमाल, आइए जानते हैं इन्हीं के संबंध में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इन नुस्खों के बारे में आप अच्छे से जान सकें। दोस्तों, अगर आपको चक्कर आते हैं तो बिस्तर पर लेटकर एक पैर जमीन पर रखें, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। क्यों, है ना कमाल का नुस्खा। ऐसे ही कई नुस्खे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले न्यू अपडेट्स की जानकारी आपको हमेशा प्राप्त हो सके। अगर रात को नींद नहीं आती तो अपनी पलकें एक मिनट तक जोर जोर से झपकाएं, कुछ ही देर में नींद आ जाएगी। जी हाँ, ये भी कारगर नुस्खा है। बेवक्त अगर नींद आ रही है तो अपनी सांसों को थाम लें, जब तक आप उसे रोक सकते हैं फिर छोड़ दें, नींद गायब हो जाएगी। गौर कीजिए, अगर आपको कभी तेज पेशाब लगी हो और आसपास टॉयलेट ना हो तो सेक्स के बारे में सोचिए, इससे कुछ देर तक पेशाब लगना बंद हो जाएगी। अगर हंसी नहीं रुक रही तो खुद को जोर से चींटी काट लीजिए, यकीन मानिए हंसना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर मच्छर काटने की जगह पर खुजली हो रही है तो उस जगह पर डीओ लगा लीजिए, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी, है ना कमाल का नुस्खा। अगर माइग्रेन का दर्द नहीं जा रहा तो अपने हाथों को बर्फ के ठंडे पानी में डालिए, दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गर्म पानी से नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी शरीर पर डालने से शरीर कई तरह की बीमारियों से दूर रहता है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको सुबह उठकर रात की बात याद नहीं रहती तो उस बात को रात में सोने से पहले दोहराइए, आपको सुबह वो बात जरूर याद रहेगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको जनरल नॉलेज की बताना चाहूँगा, वो ये कि एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दाहिना कान बातों और शब्दों को बेहतर सुन सकता है, लेकिन बाएं कान से आप म्यूजिक बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। तो ये है ना कमाल के टिप्स। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन टिप्स के बारे में जान सकें। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।